दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में मैच खेला जाना है और जो कि मैच दोनों ही टीम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद क्रूशियल है। वो इसलिए क्योंकि अगर टीम इंडिया इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा इन्हें, तो वहीं इंग्लैंड की टीम अगर इस मैच को हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये मैच जीतना इन्हें भी बेहद जरूरी है। वर्ल्ड कप 2019 की शुरुआत से पहले सबसे ज्यादा फेवरेट्स माने जा रहे थे वर्ल्ड कप 2019 जीतने के लिए, सबसे तगड़े कंटेंडर माने जा रहे थे इंग्लैंड की टीम। लेकिन शुरुआत तो इनकी अच्छी रही है, लेकिन जैसे ही जेसन रॉय इंजर्ड हुए हैं इनके परफॉर्मेंस में गिरावट आई है और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अगर ये नहीं जीतते हैं मैच को तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों मैच से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोफ्रा आर्चर ने क्या बयान दिया है टीम इंडिया के बैट्समैन को आउट करने के लिए, वो मैं आपको सुनाऊं। तो जोफ्रा आर्चर ने कहा है कि जिस प्रकार से वे बॉल करते हुए आए हैं आईपीएल में खेलने से उन्हें बेहद बड़ा एडवांटेज मिला है कि किस प्रकार से इंडियन बैट्समैन खेलते हैं, और जो बैटिंग लाइनअप है टीम इंडिया का उन सभी के साथ ही खेल चुके हैं, इन सभी को बॉल कर चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है, रिसेंट का एक्सपीरियंस है, सभी की कमियां खामियां सभी पता है इन्हें, और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में तगड़ा परफॉर्म करने वाले हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा को ये जीरो पर आउट करने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है जोफ्रा आर्चर ने। और ये मैच नो डाउट इंग्लैंड की टीम जीतने वाली है, चाहे वो पहले बैटिंग करे या बॉल करे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोफ्रा आर्चर अपनी दम पर ये मैच जिताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये तो कहना है जोफ्रा आर्चर का, ये ओवर कॉन्फिडेंस है जोफ्रा आर्चर का। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इतनी आसानी से मैच हारने वाली है या फिर इंग्लैंड की टीम को काफी प्रॉब्लम इस मैच को लेकर होने वाली है? कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताएं कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस, प्लेइंग 11 वीडियोस, प्रेडिक्शन वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाते रहें। धन्यवाद।